गाइस आप लोग इंस्टाग्राम में देखा होगा अभी के टाइम में कुछ इस तरह सा फोटो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है जो देखने में काफी ऑसम लगता है। और आप लोग भी सोचते हो अगर काश मैं भी ऐसा फोटो एडिटिंग कर पाता तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एआई की मदद से आप कैसे इस तरह से फोटो एडिटिंग कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके में। अगर आपको भी करना है तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करो। तो चले गाइस ज्यादा बात के बिना आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या कर देना, पिक्चर टैब को ओपन कर देना। पिक्चर टैब को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या कर देना, एडिट ए फोटो इधर आपको क्लिक कर देना है। और जो आपका मॉडल का फोटो रहेगा दोस्तों उस फोटो को आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा, उसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, नीचे कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर देना है और आपके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों रिमूव करके आप लोग देख ही पा रहे हो। तो आपको इस रिमूव वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। तो अभी आपको क्या कर देना है, जो मॉडल देख रहे हो इसे आपको रिमूव करना है। तो क्या कर देना है, आपको सिंपली मॉडल के ऊपर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। आप लोग देख ही सकते हो रेड रेड कलर आ रहा है, तो इस तरह से आपको मॉडल के ऊपर रेड रेड कलर में अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से जल्दी कर लेता हूँ। तो दोस्तों हो गया, अभी आपको सिंपली क्या कर देना है, इधर आपके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों रिमूव करके आप लोग देख ही पा रहे हो। तो आपके इस रिमूवल ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अभी थोड़ा सा लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपका जो मॉडल है पूरा हट जाएगा जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो। इसके लिए बस आपको फोन का डाटा को ऑन रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली ऊपर राइट में क्लिक कर देना है दोस्तों। अभी आपको क्या कर देना है, इसे आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको फोन का जो क्रोम ब्राउजर वरना ग्रोगल है उसे आपको ओपन कर लेना है। देन आपको क्या कर देना है, सिंपली इधर एड ऑफ हायर फ्लाई वॉल के इधर सर्च कर देना है। देन आपको सिंपली फास्ट वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी इसमें क्रिएट अकाउंट करके क्रिएट कर लेना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से नीचे आ जाना है और आपके इधर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। अभी इधर आपके ऑप्शन मिलेगा क्रिएट विद फायरफ्लाई, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, इसमें आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। इसमें जैसे क्लिक करोगे आपके इधर अपलोड इमेज, इसमें आपको क्लिक कर देना है। अपलोड इमेज में क्लिक करोगे तो आपको क्या कर देना है, इस फोटो को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, इधर आपको नीचे एक रिमूव वाला ऑप्शन रहेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इस रिमूव वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। रिमूव वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, ऊपर आपको इस रिमूव में फिर से क्लिक करना है और आपके इधर इंस्टेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, आपको कुछ इस तरह से इधर इरेज करना है। जिधर आपका मॉडल बैठा था ना बस उधर ही आपको इरेज करना है, दूसरे जगह पर आपको इरेज नहीं करना है। आप लोग तो स्क्रीन में देख ही पा रहे हो दोस्तों, इस तरह से आपको भी कर लेना है। तो हो गया, अभी आपको सिंपली नीचे एक और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ इधर इन्वर्ट करके। ठीक है, तो आपको इस इन्वर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना, तो कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। अभी आपको इधर एक पॉम्पलेट बोल के ऑप्शन रहेगा, देख ही पा रहे हो। ठीक है, इस पॉम्पलेट में आपको लिखना है कैसा आपको बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो मैं इसे कॉपी करके रखा था, इधर मैं क्या करूँगा, इधर पेस्ट कर दूंगा सिंपली। उसके बाद आपको सिंपली जेनरेट, इसमें आपको क्लिक कर देना। तो आपको जैसा चाहिए आपको जो बैकग्राउंड वो उधर आपको इधर लिख सकते हो, तो जो लिखोगे आपको वही आपको बैकग्राउंड दे देगा आपको। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वेट करना, अभी थोड़ा सा लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपको बैकग्राउंड इधर आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो एक बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, इधर तीन बैकग्राउंड आया। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अभी इसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या कर देना है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आपको इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड में, इसमें क्लिक करके इस डाउनलोड में क्लिक करके फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। ठीक है, तो सेव करने के बाद अगर आपको इस बैकग्राउंड का अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, इधर मोर इसमें आपको क्लिक कर देना है। अभी और भी बैकग्राउंड आपको दे देगा क्रिएट करके, अभी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो और भी बैकग्राउंड दे दिया, तो अभी आपको सिंपली इधर कीप वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, इस कीप में आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हो एक्स्ट्रा, तो इधर भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए बस मैं क्या करूँगा, इधर फ्लावर का ट्री ऐड करूँगा। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से इधर इरेज कर लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद आपको पॉम्पलेट लिख देना है फ्लावर ट्री। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो हो गया, अब आपको सिंपली जेड में क्लिक कर देना है, उसके बाद इधर फ्लावर टी आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो एक आ गया। अगर आपको ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो, मैं ये वाला ऐड करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, इधर आपको कीप वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या कर देना है, चाहे तो स्काई भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्काई अच्छा नहीं लग रहा है वो भी चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्काई के ऊपर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा दोस्तों, आप लोग देख ही पा रहे हो। तो आपको भी कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक स्काई ऐड करूँगा। ठीक है, तो स्काई इधर पॉम्पलेट में लिख देता हूँ, उसका जेनरेट में फिर से क्लिक कर देता हूँ। इधर और भी स्काई आ जाएगा बहुत सारा, तो भी आप ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप जिधर जिधर चेंज करना चाहते हो, अगर आपका अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। और एक ऑसम से बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकते हो जो देखने में काफ़ी ऑसम लग रहा है और कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ये रियल है फेक है। ठीक है, तो किससे इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा नहीं लग रहा है तो मोड में क्लिक करूँगा, और भी जेनरेट करके देगा ये लोग।
तो इधर और तीन दे दिया, तो मैं क्या करूँगा इस क्लाउड को मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। तो डाउनलोड करने के बाद अभी आपको मेन चीज़ है एडिटिंग, ठीक है। तो एडिटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जो पिक्चर टैप है इसे ओपन कर लूँगा। तो मैं पिक्चर टैप को ओपन कर लेता हूँ मेरे दोस्तों। तो मैं पिक्चर टैप को ओपन कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। पिक्चर टैप को ओपन करने के बाद जो फोटो है दोस्तों, अभी जो फोटो के एक्सपोर्ट किया उस फोटो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली ऐड फोटो में आ जाना है। ऐड फोटो में आने के बाद जो मॉडल का फोटो था उस फोटो को सिलेक्ट कर देना है। देन आपको ऊपर सिंपली ऐड में क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको इसे कुछ इस तरह से फिल स्किन कर लेना है, ठीक है। तो फिल स्किन कर लिया मैं दोस्तों, तो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से फिल स्किन कर लेना, ठीक है। एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, सिंपली फोटो में क्लिक करके आपको इधर रिमूव बीजी इसमें आपको क्लिक कर देना है। देन आपको सिंपली रिमूव बैकग्राउंड इसमें क्लिक कर देना है। तो फोटो का जो बैकग्राउंड है ये फुल HD में रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो फुल HD में बैकग्राउंड जो रिमूव हो गया, आप लोग देख ही सकते हो पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। अभी आपको क्या कर देना है, सिंपली राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी आपको क्या कर देना है, Adobe Firefly वाला इस लोगो को हटाना है। तो उसके लिए हम लोग फिर से रिमूव में क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से इसे जूम करेंगे और इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इसे हटा देंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपको इस तरह से इरेज करके आपको इधर हटा देना है। तो उसके बाद आपको सिंपली रिमूव में क्लिक कर देना है और आप लोग देख पाओगे कि हट जाएगा ये जो लोगो है। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो लोगो हट गया। अभी आपको सिंपली राइट में क्लिक कर देना है मेरे दोस्तों। अभी आपको सिंपली क्या कर देना है, इधर टूल्स में क्लिक करके रिसाइज में आ जाना है। रिसाइज को थोड़ा बढ़ा देना है। तो मैं क्या करता हूँ 4000 कर देता हूँ, इधर बोल रहे 3098, तो 3098 कर देता हूँ। उसके बाद आपको रिसाइज में क्लिक करके सिंपली से डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी आपको क्या कर देना है, मेन जो चीज़ है कलर ग्रेडिंग दोस्तों। अभी इसको आपको क्या कर देना है, लाइटरूम ऐप के अंदर इंपोर्ट करके अच्छा से कलर ग्रेडिंग करना है। तो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो कलर ग्रेडिंग करने के बाद फोटो कैसा लग रहा है और कलर ग्रेडिंग करने से पहले कैसा था। अगर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊं कि कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका प्रीसेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप लोग उधर से डाउनलोड कर लेना। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है डाउनलोड करने का। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, आई होप वीडियो को पसंद आया। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बोलना वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।